समस्या ये है कि आखिर पता कैसे लगाया जाए कि इन सब भूत बन गए लोगों को आखिर हुआ क्या है। सुनने में आया है कि आसपास के गांव में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। कोई कहता है कोई बड़ा भयानक भूत प्रेत है, तो कोई कहता है धुंध नामक एक अजब तरह का जीव है जो आकार प्रकार बदलता रहता है, रात में आ घरों पर दस्तक देता है, पर यदि कोई उसे एक बार देख ले तो सदमे से ऐसा भूत बन जाता है। ये सब कही सुनी है, इसके आधार पर कुछ निश्चित कहना या कर पाना मुश्किल है। अतः जब तक इस समस्या का कोई समाधान सामने नहीं आता, तब तक सूर्यास्त के बाद कोई अपने घर से ना निकले। कृपया मेरी मदद करो। द्वार तो खुला ही है, अंदर आ जाओ। स्वागत है, हम कब से तुम्हारी ही राह देख रहे थे। तुम यहाँ बंदी हो और तब तक रहोगे जब तक तुम हर भूत बने इंसान को वापस ठीक नहीं कर देते। नहीं करूंगा। और इस तरह समाप्त हुआ कृष्ण और बलराम का एक और पराक्रम। कृष्णा, कृष्णा। हाँ, उठो कृष्णा। मैया, बस थोड़ा और सोने दो। उठो कन्हैया, महामुनि लोकमित्र आए हैं। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम मुनिवर। कृष्ण, बलराम, वृंदावन वासियों को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मुनिवर, हम आपकी और वृंदावन वासियों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। हमें क्या करना होगा मुनिवर? भक्षासुर ने रुद्रदेव को सुप्तावस्था में बंदी बना लिया है। तुम्हें भक्षलोक जाकर रुद्रदेव को भक्षासुर से मुक्त कराना होगा। मेरे यानी शूरवीर भक्षा
जिसने स्वयं रुद्रदेव को बंदी बनाया है, इसके सामने आने की हिम्मत कैसे की? हे मेरु देवता, आपको नमन हो। कृष्णा, ये लो मेरु अस्त्र, ये तुम्हें इस दुष्ट का नाश करने में मदद करेगा। कृष्ण और बलराम, मैं तुम्हारे शौर्य से प्रसन्न हुआ। मांगो, जो चाहे वो मांग लो। रुद्रदेव, कृपया वृंदावन को पहले जैसा कर दीजिए। तथास्तु। मनुष्यों से हार कर तुमने अपनी नाक तो कटवाई ही, साथ ही साथ हमारे भी मुंह पर कालिक पोत दी। मूर्खों, वो कहावत थी, पर यदि तुम अभी इसी वक्त वापस वृंदावन नहीं गए और भोजन के लिए गाय बैल उठाकर नहीं लाए, तो मैं स्वयं ही तुम दोनों की नाक काट दूंगा। परंतु पिताजी, यदि हम वापस वहाँ गए और उन दो खतरनाक ग्वालों ने हमें फिर वहाँ देख लिया तो? नहीं देख पाएंगे। अब जाओ और भोजन का प्रबंध करो। राधे, मैं तो यही हूँ। ये असुर ऐसे नहीं मानेंगे। सिंह,
सभी फूलों में सबसे सुंदर है कमल का फूल। क्या तुमने पारिजात फूल के बारे में सुना है? देखा तो नहीं, परंतु शायद सबसे कोमल फूल वही होगा। ये कौन सा फूल है? ना कभी देखा ना सुना। कहते हैं पारिजात नाम की एक राजकुमारी हुआ करती थी, जिन्हें सूर्य देव की चाह हो गई। राजकुमारी का प्रेम भाव इतना गहरा था कि उनकी मृत्यु पश्चात उन्होंने पारिजात वृक्ष का रूप ले लिया, जिसके फूल केवल रात में ही खिलते हैं। सूर्योदय होने पर जैसे ही सूर्य देव की किरणें धरती पर पड़ती हैं, राजकुमारी के आंसुओं समान पारिजात फूल गिरने लगते हैं। मटकियों में दूध है या पानी, पता लगाना कौन सा मुश्किल है। बहुत हो गया, तुम्हारी वजह से मुझे रोज माँ की डांट खानी पड़ती है। राधा सुनो तो, मुझे नहीं करनी तुमसे बात। अब मान भी जाओ राधा। नहीं। फिर तुम ही बताओ कैसे तुम्हें मनाऊं? पहले मुझे एक पारिजात फूल ला कर दो। कृपया दर्शन दीजिए चंद्रदेव। कहिए श्री कृष्ण बलराम, पारिजात वृक्ष कहाँ पाया जाएगा, आप शायद हमें बता पाएं? अवश्य, आप मेरे साथ आइए। इस वृक्ष में अद्भुत शक्तियां हैं जो इसकी हिफाजत करती हैं, और सदियों से यही प्रथा चली आ रही है। इस वृक्ष से फूल कभी तोड़े नहीं जाते, केवल गिरे हुए फूलों को ही चुना जाता है। जी चंद्रदेव, हम भी इस प्रथा का पालन अवश्य करेंगे। ये कुएं के जल को एकाएक क्या हो गया, इतना खारा है कि गले के नीचे भी नहीं उतरता है। ये क्या कहते हो, ये कुआ तो अपने मीठे जल के लिए जाना जाता है। ये ठीक ही कह रहा है, सिर्फ ये कुएं का ही नहीं, गांव के सारे कुओं का जल एकाएक खारा पड़ गया है। आखिर ये हमारे गांव में हो क्या रहा है, एक के बाद एक विचित्र दुर्घटनाएं घटी जा रही हैं, और हर ओर जैसे उदासी और बदहाली छा गई है। हे भगवान, ये शनि ग्रह का प्रकोप है जो वृंदावन पर आ पड़ा है। क्या शनि देव का प्रकोप? जी हाँ नंद महाराज, वृंदावन वासियों को इसके हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए और शनि देव को प्रसन्न करने के लिए एक बड़ी पूजा का आयोजन करना होगा।
ये संकेत तो बहुत बुरा है। शनि की परिक्रमा को कोई नहीं टाल सकता। ये कौन है जो वृंदावन वासियों की आहुतियों का इस तरह अपमान कर रहा है? जाओ, इन बालकों का घमंड चूर चूर कर दो। मेरे आदेश की पूर्ति करो। अपना पंजा खोल। अब तुम स्वयं मेरा कहर देखोगे। ऋषिवर, हमारे भविष्य के बारे में हमें कुछ बताओ। महाराज उग्र, आने वाले दिन आपके लिए शुभ नहीं। आपको सैनिकों ले जाओ इस ऋषि को और गिन गिन कर 100 कोड़े लगवाओ। दुष्ट पापी, वो दिन भी अब दूर नहीं जब तेरे कर्मों का हिसाब होगा। उसका भी उपाय है मेरे पास। ऐसा कैसे संभव है? देव चित्रगुप्त, आपकी चिंता और हमें यहाँ बुलाने का कारण कृपया आप हमें बताएं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी एक भी जीव का प्रलेख ना मिले। महाराज उग्र का समय पूरा होने जा रहा है तो उनका प्रलेख गायब है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी मायावी शक्ति की सहायता से स्वयं उसी ने ये कार्य किया है। उस प्रलेख को वापस कैसे पाया जाए? हम तुरंत ही पृथ्वी लोक जाकर इस कार्य में जुट जाते हैं। हमें आज्ञा दीजिए देव। देव चित्रगुप्त के अनुसार महाराज उग्र अपने महल से दूर इस किले में आ बसे हैं, परंतु सभी ओर कड़ा पहरा है। आकाश में तो कोई पहरा नहीं। मत मारो मुझे। तुम्हें यहाँ किसने कैद किया? उस दुष्ट ने जिसकी मैंने इतनी सहायता की। तो देव चित्रगुप्त के कक्ष में अदृश्य होकर तुम घुसे। हाँ। प्रलेख का तुमने क्या किया? उसे लेकर वापस महाराज उग्र के पास पहुँचा। मेरे पापों का हिसाब ही नहीं है। कोई देव मुझे नर्क भेज ही नहीं सकता। ये प्रलेख तो तुमने मुझे ला दिया, परंतु अब इसे नष्ट करने में तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। वो कौन सा मुश्किल काम है? अकेली धरती में गाड़ देते। महाराज अब क्या करें? हमारे पास इससे भी अच्छा और सुरक्षित उपाय है। निर्वचनानुसार पुरस्कार देने की जगह महाराज ने मुझे यहाँ कैद कर दिया, जिससे उनका रहस्य कभी कोई न जान पाए। कौन हो तुम जो इस प्रकार बिना आज्ञा हमारे कक्ष में घुस आए हो? हाँ, उसी प्रकार जिस प्रकार तुम्हारा दूध बिना आज्ञा चित्रगुप्त देव के कक्ष में घुस गया था। हाँ,
आइए महाराज उग्र, यमदेव आपको अपने साथ नर्क ले जाने के लिए बहुत उत्सुकता से आपका इंतजार कर रहे हैं। और इस तरह समाप्त हुआ कृष्ण और बलराम का एक और पराक्रम। आज से लगभग 5000 साल पहले, जबकि द्वापर युग अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा था और कलयुग आने को था, वो समय इस धरती के लिए बड़ा कठिन समय था। धर्म और धार्मिक मान्यताओं को दुष्टों ने धरती से समाप्त करने की ठान ली थी। तब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए विष्णु ने धरती पर मानव रूप में जन्म लिया। विष्णु का ये अद्भुत अवतार परम योगी कृष्ण भी कहलाया और लीलाधर भी। श्री कृष्ण के साथ साथ बलराम ने भी अनेक दानवों को अपने बाहुबल से परास्त किया। कान्हा कहें या नटखट कृष्ण कन्हैया, इसके हर रूप पर मोहित था समूचा वृंदावन। वाह, वहां उस ओर मताली, आप श्री कृष्ण और बलराम के पास तुरंत ही हमारा संदेश ले जाएं। उन्हें कहें कि हम यहां भ्रमण के लिए उतरे हैं। इंद्रदेव ने अपना रथ और सारथी भेजकर हमारा कार्य और भी आसान कर दिया। साथियों, आक्रमण! इंद्रदेव के सम्मान में हम उन पर उन्हें के अस्त्र से वार करेंगे। इन हवा के फेरों को तोड़ इंद्रदेव को कैसे इससे मुक्त किया जाए? लो, मैं सहायता किए देता हूँ। आंखें खोलिए। देव अस्त्रों के प्रहार से हुए घाव का उपचार तो केवल देवों के वैद्य धन्वंतरी ही कर सकते हैं। माताली, कृपया आप इसी क्षण देवलोक जाएं और देव वैद्य धन्वंतरी को लेकर तुरंत लौटिए। मैं और बलदाव तब तक यहीं इंद्रदेव के पास रहेंगे। यही उचित होगा। इंद्रदेव, जल्दी ही स्वस्थ हो जाइए, फिर हमारे साथ वृंदावन में भ्रमण भी तो करना है।
स्वर्ण मृग स्वयं देवताओं द्वारा आशीर्वाद प्राप्त है। ये बहुत जादुई माने जाते हैं। जीवन में हमेशा हमने हमारा लक्ष्य प्राप्त किया है और आज हमारा लक्ष्य वो स्वर्ण मृग है। के स्वर्ण मृग की हत्या का फल मधुर नहीं राजा, इसके लिए तुझे दंड जरूर मिलेगा। तेरा बेटा भी मेरी तरह ही अंतिम सांसें ले रहा है। श्री बलराम, प्रणाम। आप दोनों के बारे में हमने बहुत सुना है। प्रणाम, किंतु आप हैं कौन और क्या हुआ है? मैं वृंदावन के पास वाले राज्य का राजा हूँ। अहंकार के वश में आकर मैंने एक जादुई स्वर्ण मृग की हत्या कर दी। उस मृग के श्राप के कारण मेरा बेटा पत्थर बन गया है। उसे केवल तपता पानी का पुण्य पानी ही जीवित कर सकता है। राजगुरु के आदेश से मैं अपने मंत्रियों के साथ तपता पानी तक पहुंच भी गया था, परंतु वहां एक अति भयंकर दैत्य है, जल दैत्य, जिसने हमारे जहाज पर आक्रमण कर दिया। मैं वहां से किसी भी तरह प्राण बचाकर यहां आ पहुंचा। ऐसे हाल में तपता पानी से पानी लेकर कैसे आऊंगा मैं और कैसे अपने बेटे को बचाऊंगा? महाराज, आप चिंता ना करें, हम दोनों आपकी सहायता अवश्य करेंगे। कृष्ण, श्री बलराम, आपने मेरे बेटे को बचाकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है, ऐसा फिर कभी नहीं होगा।